श्री मुलायम सिंह यादव जी का कुनबा और श्री लालू प्रसाद यादव जी का कुनबा, वह जिस स्वभाव का है वह स्वभाव का वीडियो देखने को मिला है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि अब अराजकता से मुक्त और सुशासन से युक्त, विकास से युक्त शासन देने का काम, व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और ये देश का चुनाव है, देश के चुनाव में सबके समर्थन की अपील करते हैं और बढ़ चढ़ करके मतदान का भी ये आरोप 2014 में भी लगाते थे, 2017 के विधानसभा में भी लगा रहे थे जब सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। फिर 2019 में जब सपा बसपा कांग्रेस, उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी उनके साथ था, गठबंधन किए, उस समय भी आरोप लगाए। अब 2022 में वह सरकार बनाने जा रहे थे, कहां जनता ने पहुंचा दिया। 2024 में समाजवादी पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़ी दुर्गति का सामना करेगी, कांग्रेस पार्टी इतिहास में सबसे कम नंबर के साथ देश की संसद में बैठेगी, ये आप विश्वास रखिए। ये तो अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं, हार का चौका लगाने के बाद बोलने का साहस दिखाना ये बड़ी बात है, क्योंकि लगातार चार पराजय का सामना श्री अखिलेश यादव जी ने 2014, 2017, 2019, 2022 में किया है, पांचवी पराजय के द्वार पर खड़े हैं। जरूर कर लें जिससे उनकी कोई आकांक्षा अधूरी न रहे, 4 जून को जब कमल खिले तो उनको लगे कि अब देश में एक ही लहर है, एक ही आंधी है, एक ही तूफान है, वो भारतीय जनता पार्टी का है, कमल के फूल का है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। देखिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी 2019 में भी पूरी बागडोर संभाले थी, राहुल गांधी जी को हरवा दिया उन्होंने और किसी तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिता पाई थी, लेकिन इस बार ना अमेठी बचेगी ना रायबरेली बचेगी, दोनों सीट पे कमल के लिए। देखिए श्री राहुल गांधी जी के ये बचकाना जो आचरण है, इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी बार बार उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए लॉन्च करती हैं, लेकिन लॉन्च करते समय वो फेल हो जाती है। लेकिन कांग्रेस बढ़ने की जगह घटती जा रही है और भाजपा लगातार बढ़ रही है। आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े नंबर के साथ देश और प्रदेश में। हाँ, ये बहुत दुखद, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए भी बहुत दुखदायी खबर है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, बिहार के कई बार उप मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, और हमारे सुशील मोदी जी का के निधन की खबर से मैं भी अस्तब्ध था, चूंकि अभी उनके जाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वह काफ़ी समय से अस्वस्थ थे और अस्वस्थता के कारण से जो उनका हम सब का साथ छोड़ करके जाना हुआ है, दुखी हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं और उनके जो तमाम समर्थक हैं, भगवान उनको भी सबको शक्ति दे इस दुख को सहने की, यही भगवान से प्रार्थना।